नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के गौशाला मोहल्ले में। यहाँ पर हंगामा तब हो जाता है तब एक दुकान के अंदर ताला तोड़कर आरोप लगाए जाते हैं लोगों द्वारा कि 20 से 30 लोग आए थे और दुकान का सामान है वो उथड़ पुथड़ कर कर फरार हो जाते हैं, सामान ले जाते हैं और किस तरीके से आपके साथ पिटाई भी की थी। मैं तो यार नहीं था यार, मुझे पता कौन है नहीं है। लड़के सामने सिल्लू है जेक, वो शाम को दाल पी के बोल रहा था, उसकी मर्जी की उसने क्या कराया है बंदे उसके। बस पूरी कहानी क्या है ये बताओ। मुझे पता नहीं है, मैं ताला मार था जी, दुकान का ताला मारा मैंने मेरे घर, उसके बाद में क्या हुआ है पीछे से आए हैं, पीछे से आए ताला तोड़ गए, ताला तोड़ गए, ताला तोड़ कर सामान ये दे सकते हैं। किस तरीके से ताला तोड़कर आप दे सकते हैं, पूरा दुकान का जो काउंटर है वो आप दे सकते हैं, बाहर फेंक दिया गया है और उसके बाद में आप दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर दे सकते हैं पूरी मोहल्ला पूरा गली इकट्ठा हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एमसी साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार पूरी कहानी क्या है। हाँ जी एमसी साहब एक मिनट, हाँ जी आपने कुछ देखा भाई साहब? हाँ जी देखा। क्या देखा? इन्होंने दुकान बंद थी, इसका शटर तोड़ दिया, इधर से अंदर बढ़ गए, सारा सामान बाहर फेंक दिया और 50-60 जने थे इधर हमला कर दिया, एक दो ऊपर से कर दिया, बाद में घर पे कर दिया, कम से कम 50 से ऊपर थे प्लस एक गाड़ी कर जो ठाके करियो। आज मेरे बच्चा सा गया करी, कोई भी दुश्मन ही कोनी, मेरी इतनी भी कोनी, जम्मा ही कोनी। और आप है ना ये सेटर नीचे करके देखो, इस पे ना दातरे तलवारें लगी हुई है। 15-20 हजार रुपया भी आप दे सकते हैं, यहाँ पर पूरा मोहल्ला है वो इकट्ठा हो जाता है। अभी तक कोई कहानी है वो क्लियर नहीं है, लेकिन आरोप लगाया जाता है कि गाड़ी है वो तोड़ दी गई। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। ये गाड़ी है, किस तरीके से गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ी को तोड़ दिया गया है और कहानी अभी तक कोई क्लियर नहीं है। ये दे सकते हैं गाड़ी के शीशे, आप दे सकते हैं किस तरीके से गाड़ी को तोड़ा गया है और किस तरीके से गुंडागर्दी यहाँ पर की गई है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर यहाँ पर की गई है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, यहाँ पर मैं आपको सिरसा के गौशाला मोहल्ले से तस्वीरें दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईंटें भी बरसाई गई है, किस तरीके से यहाँ पर ईंटों की तस्वीर आप देख सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लोगों के घरों में, यहाँ पर लोगों के घरों में ईंटें तक चलाई गई है, लोगों के घरों में। हाँ जी बहुत नुकसान करके गए जी, मैंने बहुत ज्यादा नुकसान करे, ये गेटों में तलवारें मारी है सर, तलवार और सारों की चलाए हो रही है। कितने लोग थे? घनाई लोग है, कम से कम 500 लोग से ऊपर थे। हाँ मामला कैसे बड़ा, कैसे मामला क्या हुआ, क्या था? ये मेरा ही है। हाँ क्या नाम? क्या सोनू सैनी जी, मैं दुकान मंगल करता था, उन्होंने मांगे उधार मिले, मैं नहीं, मैं कल मंगल करे चले गया, उसके बाद में ये कांड हुआ। नहीं क्या हुआ, क्या उधार मांगी थी 500-700 की, मैं नहीं, उसमें चल कर दुकान मंगल करके, उसके बाद ये कांड हुआ सारा। बस नहीं क्या हुआ, क्या उधार मांगी थी ना? नहीं नहीं कांड क्या हुआ ये पूछ रहा हूँ, मामला क्या? दुकान लूट ली सारी, डॉक्टर मैं तो बच गया, चले गया यहाँ से, सारा सामान बाहर फेंक दिया, देख लो हल्ले से पैसे भी आ गया। हुआ क्या नाम क्या आपका? क्या पूरा मामला हुआ, पूरा मामला बताइए। मैं ये मेरा भाई है, चाचे का लड़का है, आधे घंटा पहले हम बैठे थे तो ये जो लड़का है ना सुशील सिली, इसके है ना 700-800 रुपए पहले की उधार थी और इसने ड्रिंक की हुई थी, तो अब ये पैसे मांग रहा था, उधार मांग रहा था, इसने मना किया, उसके साथ 3-4 लड़के आए हुए थे, वो दारू पी रहे थे बैठ के, तो उन्होंने दत्तर डाल रखी थी, इसने अपनी जान मसा से बचाई है, इसका शर्ट भी फट गई थी पहले खींचने से, तो उसके बाद इन्होंने दातरे मारी है दुकान की और सामान तोड़ दिया सारा, बाद में यहाँ बात हुई है गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। कितने लोग थे ये? 20-25 लोग थे। 20-25 लोग कौन थे वो? कौन थे वो? वो इनके यार दोस्त हैं जी, यार दोस्त हैं। हाँ ये जो लड़का है ना जो टेम्पू चलाता है वो टेम्पू वाले थे सारे, ये आपकी दुकान में आते थे ये जो लड़का है? पहली बार जितने लड़के हैं ना पहली बार आए, मेरे पास नहीं है कभी। तो आपसे क्या रंजिश है और किसी से कोई रंजिश? उधार नहीं दी, उधार नहीं दिखाया था मेरे कापी में लिखे इनके नाम, 2000 लिखे हुए, दिखा सकता हूँ। चलो आप सामान चिल्लू का नाम है ना अभी लिख रखे मैंने, आपसे दुकान में उधार सामान मांगा है क्या? उधार मांगा है और आपने उधार देने से मना कर दिया? मना कर दिया, कांड कर दिया। किसी बात की दुकान आपकी है? किराने की। क्या उधार मांगा सामान, क्या उधार मांगा? मंडल दे दे, भुजिया दे दे, भाई इतना 5 रुपये कौन भाई जी,
मैं क्या सारा मोहल्ला खड़ा, मैं गल तो बताओ भाई, देखो ये ना बड़ा भाई जैसे है, कोई गलत नहीं है, कोई कुछ गलत नहीं है, ये इतने बड़ी आदमी है। अब मान लो उधार लेके उधार नहीं देंगे तो फिर पैसे नहीं देगा तो कहाँ से उधार देंगे? ओके पर मौजूद है हां जी एमसी साहब, क्या क्या आपने क्या निरीक्षण किया, क्या हुआ भाई साहब? मैं तो जब यहाँ आया ना, मेरे को पता लगा भाई झगड़ा हो रहा है, तो यहाँ लगभग 25-30 लड़के थे, 5-7 तो मुंह के ऊपर पटके भी बांध रखे थे। जब मैं आया तो ये जब मैं उनको पूछने लगा क्या बात होगी, तो मेरी तरफ दातरवाटी में भाज के उस गली के अंदर चला गया, उस साइड जाके सभी के हाथ में हथियार थे और इनको गालियां निकाल रहे थे, और जी में एक तो इनको घर वालों को गालियां निकाल रहे थे, एक ये गाड़ी कभी गाड़ी के दातर मार रहे थे, और जी में आ रहे तो जो जो है ना काउंटर था ना जी, काउंटर जो दुकान का काउंटर वो सड़क के अंदर था, उस सड़क के ऊपर जी में आए जो गाले काटे और उस पे कोई रंजिश, इनकी कोई रंजिश, कोई दुश्मनी आदमी को नहीं जी, आज तक जिंदगी में कोई रंजिश, एक इकलौता बेटा जी, ना कोई झगड़े वाली बात थी, ना कोई और कोई उधार को लेकर इनका रोड़ा हुआ है। उधार को लेकर दुकान में सामान उधार देने को लेकर यहाँ पर पूरा हंगामा हुआ है, और उसके बाद में आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से वो लोग हैं, वो आए थे और मोटरसाइकिल भी तोड़कर चले गए। आप देख सकते हैं कितने मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया, आपको मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। ये देखो भाई साहब मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को पूरा तोड़ दिया गया, मोटरसाइकिल है वो तोड़ दिया गया, और आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से मोटरसाइकिल पर यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, अभी तलवारें चलाई गई और यहाँ पर पत्थर मारे गए, आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ, और पूरी गली मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। हाँ जी, और आपने आपने क्या देखा जी? मेरे घर है जी, मैं गयो बड़े अभी, अभी लड़ाई सुलझ गया कोई भी कोई, मैं कौन सुल जी, मैं आवा लग रही अंदर, आवा लग रही पीछे शांत ही भट्ठा बरसावा लग रहा, और मैं बाजी गेट बंद कर लियो भी, दो तीन टब्बर अंदर आ भी, कहेंगे चोट ना लग जाए भाई, इतना 10-50 दिन आ गया होगा, गाड़ी तोड़ दी और मोटरसाइकिल तोड़ दी, मैं गेट बंद कर लियो जी अंदर, कोई बात भी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है हमारा, कभी भी आज तक कोई रंजिश की बाजी कोई चक्कर नहीं है, बस ऐसे ही है, बस चल रहे नहीं। सामने वाले कौन है, पड़ोसी है या कौन है? पड़ोसी है जी, पड़ोसी, उसने 50 लड़के बुला रखे, 30-40 लड़के बुला रखे थे, उन्होंने ये काम किया है, वो लड़का भी साथ था जो उनका, बड़े बड़े बदमाशों को बुला रखे उन्होंने, वो लोरी है, लोरी लोरी बावरियों के है ये लड़का, ऑटो चलाता है ये, उनका जीजा वो कहता है मेरा जीजा मेरा पुलिस के अंदर है, मेरा कोई बात नहीं, पुलिस वाले इनके साथ आए थे, पुलिस वाले इनका साथ दे रहे हैं, हमने पुलिस बुलाई थी, पहले दो पुलिस वाले आए थे, उनके आने के बाद ही एक प्रोग्राम हुआ है, पहले कुछ शांत था काम, पुलिस वालों ने कुछ नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं की, पुलिस वाले के सामने इट्टे मारी है, इसके भी मार के गए हैं सिर में ईंट, मेरे पैर पे मारी है, हाथ पे लगी है, मेरे भी लगी है चोट, माथे पे लगी है। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, यहाँ पर पूरा मोहल्ला है वो इकट्ठा हो जाता है, गौशाला मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, और यहाँ पर किस तरीके से इंटे चलाई गई और आरोप लगाए जाते हैं कि 20-30 लोग यहाँ पर आए थे और यहाँ पर मुंह पर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा मार कर आए थे और तलवार कप्पे लेकर आए थे और पूरा हंगामा करके गए हैं और गाड़ी भी फोड़ कर गए हैं। यहाँ पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है, जानते हैं कि आगामी क्या कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी नमस्कार जी, लाइव आप जुड़ चुके हो जी, क्या आगामी कार्रवाई की जाएगी? अभी हम मौके पर आए हैं, कोई शिकायत प्राप्त नहीं, जो ही शिकायत प्राप्त होगी उसी के अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई, लेकिन जैसे भी मौके पर पुलिस पहुंच गई है, शिकायत प्राप्त होते ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ऐसा पुलिस कर्मियों का कहना है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें, आपको तस्वीर दिखा देता हूं, यहां पर ये देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर एक कार है, कार को यहां पर आप देख सकते हैं जैसे लठ मारे गए हैं, कार के पूरे शीशे सब कुछ चकनाचूर कर दिए गए हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करते रहें, जो जो साथी जुड़ते रहे वो वीडियो को शेयर करते रहे। यहां पर आप देख सकते हैं पीछे से गाड़ी को तोड़ा गया है, आप देख सकते हैं गाड़ी को तोड़ा गया है और यहां पर खुलकर गुंडागर्दी की गई है। हां जी, और कोई मौके पर मौजूद था यहां पर? यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर दुकान में जाकर आप देख सकते हैं, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें, और दुकान में भी यहाँ पर पूरी तोड़फोड़ की गई है, आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ किस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुकान का जो काउंटर है, और उसके बाद में दुकान के जो तमाम जो ये देख सकते हैं
ये दे सकते हैं दुकान में, इनका आरोप है कि उधार चीज देने से मना कर दिया तो ये इस तरीके से हंगामा, हाई वोल्टेज ड्रामा और तोड़फोड़ यहां पर की गई है। और उसके बाद में क्या जी, ये पैसा जो भी है कितना भी है भाई जी, माना कौन मेरा कितना रुपया, मैं झूठ बोला सब खाली है जी, ये नीचे वाला गल्ला ही सब साफ कर रखा, पूरा गल्ला है वो साफ करके चले गए हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।